दरअसल इस अजीबोगरीब दुनिया में कई ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर इंसान तो क्या, इंसान की परछाई तक भी नहीं जा सकती है। तो आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब जगह से रूबरू करवाने वाला हूं कि जिनके बारे में जानने के बाद आप वहां पर जाने से पहले 1000 बार सोचोगे। सैन लुइस वैली, इस जगह को एलियन का गढ़ भी कहा जाता है। और आपको बता दें, स्पेनी नाम के एक शख्स की लाश इस जगह पर मिली थी जिसके शरीर से उसका दिमाग गायब था, साथ ही साथ उसके रीढ़ की हड्डी भी गायब थी। इंसान तो छोड़िए, कई बार यहाँ पर जानवरों की लाशें भी इसी हालत में पाई गई है। यहाँ के लोग मानते हैं कि एलियंस यहाँ पर आते हैं और ये उन्हीं का काम है। कई बार यहाँ के पालतू जानवरों के भी गायब होने की बात सामने आई है, लेकिन आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है कि वे पालतू जानवर आखिरकार गए कहाँ हैं। ब्रिज वाटर ट्रायंगल, इसे अजीब जानवरों का जंगल भी कहा जाता है। यहाँ कई लोगों ने अलग अलग तरह के जानवर देखे हैं और कुछ का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर एक कुत्ते को देखा है जो कि सामान्य आकार से काफी बड़ा था। और कुछ बताते हैं कि इस जंगल में बहुत बड़ी थंडर बर्ड्स है। 1760 में यहाँ पर एक उल्का पिंड गिरा था। कहा जाता है वह कुछ और नहीं बल्कि एक स्पेसशिप था जिसमें कि एलियंस आए थे। ऐसी न जाने कितनी कहानियां जुड़ी है इस जगह से, लेकिन और रहस्यमय जगहों की तरह यहाँ का रहस्य भी आज तक खुल नहीं पाया है। बैरिंगटन ट्रायंगल, यह एक ऐसी जगह है जो दिखने में जितनी खूबसूरत लगती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इस जगह से जुड़े कई ऐसे केसेस हैं जिनकी तहकीकात आज भी जारी है। 1945 में शिकारियों का एक पूरा समूह इस जगह से गया था, लेकिन वहां से कोई भी वापस नहीं लौटा। पावला वेल्डेन नामक एक लड़की भी इस जगह पर घूमने गई थी, जिसकी भी वहां जाने के बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली है। 1950 में एक महिला ने भी इसी जंगल में जाने की गलती की थी, उसकी भी मौत हो गई। ये पहला केस था जिसमें मरने वाले का शरीर मिला था। कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह एक बिग फुट रहता है। कुछ मानते हैं कि यहाँ एलियंस हैं, लेकिन यकीन से कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। मिशिगन ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल की तरह मिशिगन ट्रायंगल के भी कई किस्से हैं। कहा जाता है कि यहाँ से गुजरने वाले किसी भी प्लेन का आज तक पता नहीं चल पाया है। सन 1937 में कैप्टन जॉर्ज नाम से एक पायलट ने मिशिगन ट्रायंगल की तरफ उड़ान भरी थी, जिसके बाद आज तक उस पायलट की कोई खबर नहीं मिली है, न ही उस प्लेन की। उसी के साथ साथ सन 1950 में खराब मौसम होने की वजह से पायलट ने मिशिगन ट्रायंगल की तरफ का रूट ले लिया और उसके बाद से आज तक उस प्लेन का कोई सुराग भी नहीं मिला है। तो दोस्तों, क्या आप कभी अपने जीवन में ऐसे रहस्यमय जगहों पर जाना पसंद करोगे या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर से देना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मैं वापस लौट के आऊँगा एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप मेरी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं।